दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। मंगलवार के दिन इस जगह पर रख दे लाल मिर्च, पैसा बरसेगा रातों रात, आप बनोगे धनवान। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों मंगलवार के दिन इस जगह पर रख दे लाल मिर्च, करोड़पति भी होंगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको लाल मिर्च का उपाय मंगलवार के दिन करना है। ये लाल मिर्च का उपाय आपको मालामाल बना देगा, इससे भगवान हनुमान जी की आप पर कृपा होगी और आपके पास धन भी आएगा और आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों जीवन में दुख सुख निरंतर चलते रहते हैं, यानी सुख दुख का पहिया निरंतरता चलता रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुख ज़्यादा आए लेकिन दुख कम हो। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सुख ज़्यादा हो दुख कम हो ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन होता इसके विपरीत है। जीवन दुखों से भर जाता है क्योंकि शत्रु बहुत परेशान करते हैं और उनमें आप फंस जाते हैं। आज हम आपको लाल मिर्च के ऐसे महा उपाय बताएंगे, इनमें से एक उपाय यदि आप कर लें तो रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। कभी कभी शत्रु इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि लगता है अब बचने का कोई उपाय नहीं है। आखिर कैसे इन परेशानियों से बाहर निकला जाए और जीवन की इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो दोस्तों अक्सर जीवन की इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय का सहारा लेते हैं और इनसे आपका काम बन जाता है। दोस्तों आपको जीवन में लाल मिर्च के ऐसे टोटके हम बताएंगे, क्योंकि लाल मिर्च का खाने के साथ साथ उपायों में भी बहुत महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में पौराणिक कथाओं में लाल मिर्च का बहुत अच्छे से उपाय बताए गए हैं। लाल मिर्च खाने के काम में आती है, हमारे सब्जी का जायका बढ़ाती है, साथ ही हमारे जीवन जीने का जायका भी लाल मिर्च बढ़ा सकती है। आप अपनी परेशानियों को लाल मिर्च से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों धनवान सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने पर भी बहुत से लोग धनवान नहीं बन पाते। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियाँ सताती रहती है उनके जीवन में। गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ मिलना, ना धन आने की समस्या और परेशान हो जाते हैं। आपके पीछे समस्याएं खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रही है, आपके पीछे कोई आत्मा लग गई है। आपका भाग्य सो गया है, आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा। आपके बहुत से शत्रु हैं, आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है। शत्रु आपका विनाश करना चाहते हैं और नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में पैसा तो आता है, लेकिन वो जल्दी से खर्चा हो जाता है। घर में बरकत नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ जाता है, कर्ज के बोझ से आप दबे हुए चले जाते हैं। मेहनत करने पर भी आपको नौकरी नहीं मिलती, धन की कमी हो गई है। आपका व्यापार यानी कि धुआंधार चल रहा था, जोरों से चल रहा था, लेकिन अचानक से व्यापार ठप हो गया है, पैसों की तंगी हो गई है। घर में आपसी लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, बात बात पर झगड़े हो रहे हैं। किसी ने आपका धन बांध दिया है, आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके घर कार्य में 100% सफलता मिलेगी। इस उपाय के बाद दोस्तों लाल मिर्च के जो उपाय हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो वीडियो में उपाय बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है लाल सूखी मिर्च। जी हाँ दोस्तों, लाल सूखी मिर्च आपको लेनी है। दोस्तों लाल मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई उपायों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। गृहस्थी से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करती है लाल मिर्च। कर्जा से छुटकारा मिलेगा, आज का उपाय आपके सभी परेशानियों को दूर कर देगा। तो मंगलवार की रात्र को आपको एक बर्तन में पानी लेना है और इस बर्तन में 21 लाल मिर्च के बीज डाल देने हैं, यानी कि दाने इस डाल देने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लाल मिर्च के बीज यानी दाने होते हैं सूखी हुई लाल मिर्च में, 21 लाल मिर्च के दाने गिन करके एक बर्तन में डाल देना है और सोते समय इसे अपने सिरहाने में रख कर सोना है। सुबह उठकर इस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर 7 बार बार लें और घर से बाहर फेंक दें, यानी कि धन की समस्या दूर हो जाएगी, आपके पास पैसा आने लग जाएगा और धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। किसी ने धन बंधवा भी दिया है तो फिर वो खुलने लग जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों,
शत्रु नाश के लिए, यदि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं और आप पर काला जादू करवाते रहते हैं, आपको गिराने की सोचते हैं, तो मंगलवार की शाम को आपको क्या करना है, आपको 5 लाल मिर्च लेनी है मंगलवार की शाम को, और थोड़े से सरसों के दाने लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, और अपने दुश्मन का नाम लेते हुए अपने सिर से इसको घुमा लेना है 3 बार, और अपने घर के बाहर जाकर किसी तिराहे पर फेंक आना है, और बिना कुछ बोले और बिना पीछे मुड़े आपको अपने घर पर आ जाना है। शत्रुओं से शांति मिलेगी और आपकी लगी हुई नज़र वो भी शांत हो जाएगी। तीसरा उपाय है दोस्तों, मिट्टी के 3 बर्तन लेना है, ये व्यापार के लिए है, व्यापार में उन्नत के लिए है। व्यापार यदि आपका ठप पड़ गया है, नहीं चल रहा है, तो मिट्टी के 3 आपको दीपक लेने हैं, तीनों में 1-1 लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल लें, और तीनों दीपक को व्यापार वाली जगह पर रख दें। आपका व्यापार ठप पड़ गया तो चलने लगेगा। एक उपाय व्यापार के लिए और बताने जा रहा हूँ। मंगलवार के दिन लाल मिर्च को लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए लाल धागे से बांधकर उस पर 1 नींबू बांध देना है और अपने मुख दरवाजे पर इसको बांध देना है। आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे और बिजनेस आपका व्यापार चलने लगेगा। अब उपाय जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 1 बर्तन लेना है आपको और उसमें लाल मिर्च रखकर उसके ऊपर पानी का पूरे घर में छिड़काव करना है, यानी कि लाल मिर्च आपको रख लें, थोड़ा सा पानी डाल लें और पूरे घर में छिड़काव करें। दोस्तों इसको आप हर कोने में करें, यानी घर के हर कोने में आपको पानी का छिड़काव करना है। जिस कोने में भी आप पानी का छिड़काव करेंगे, यदि आपको लगता है घर के इस कोने में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस लाल मिर्च के पानी का छिड़काव करना है उस कमरे में, और आपको लगता है जहाँ निगेटिविटी है उस जगह पर भी आपको पानी का छिड़काव कर देना है। तो दोस्तों इससे नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर निकलेगी और सकारात्मक शक्तियाँ आने लगेगी। सकारात्मक शक्तियाँ आने से लक्ष्मी जी भी आएंगी। सकारात्मक शक्तियों का मतलब होता है भगवान का वास होना। जी हाँ, जिस जगह पर भगवान का वास होता है वहाँ नकारात्मकता का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी माता का वास होता है। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी और सकारात्मक सोच और सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आएगी, धन भी तेजी से आएगा। शत्रु मुक्ति के लिए एक और ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु की वजह से काम नहीं बन रहा है, आए दिन शत्रु कुछ न कुछ जैसे आपको कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं, तो शत्रु आपके कदमों पर आ जाए, ऐसा क्या करें? दोस्तों बहुत ही सिंपल उपाय है। क्या करें, आप थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिएगा और आप 11 लाल मिर्च को आप यानी कि महीन एक इसको महीन कर दें, इसको आप यानी कि बिल्कुल बारीक करके इसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा दें, और इसको ले जाकर हनुमान जी के जहां मंदिर है वहां पर मुख्य दरवाजे के पास, गेट के पास इसको जमीन के नीचे दबा दें। दोस्तों शत्रु शांत हो जाएंगे। ऐसा 5 मंगलवार करें, शत्रु आपके कदमों पर आ जाएगा। दोस्तों सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए, जैसे शत्रु हो गए या फिर काम नहीं बन रहा है, तो क्या करें, आप मंगलवार की शाम आप 5 साबुत लाल मिर्च ले लीजिएगा, इसे ले जाकर किसी चौराहे पर जाइएगा, चारों दिशाओं में आप इसे फेंक दीजिए 1-1 करके, और 5वां लाल मिर्च जो है इसे आसमान की तरफ फेंकिएगा, वापस मुड़कर पीछे मत देखिएगा, सीधे अपने घर पर आइएगा। हर कष्ट से मिलेगी मुक्ति, हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, नौकरी नहीं लग रही, घर में पैसा नहीं टिकता, तो आप लाल कपड़े में लाल मिर्च को रख दें, 21 लाल मिर्च को रख दें, और आप इस प्रत्येक लाल मिर्च में हनुमान जी के मंदिर का जो दाहिने अंग का सिंदूर है इसे थोड़ा थोड़ा लगा दें लाल मिर्च में, और लाल कपड़े में लपेट कर इसे आप अपने धन के स्थान पर, धन पेटी पर रख दें, या फिर अपने घर के ईशान कोण में इसे टांग दें। धन भी आएगा तेजी से, बरकत भी होगी, और छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा, बजरंग बली की कृपा भी बरसेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा और आप इस उपाय को करके मालामाल बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा, दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखेगा और अपने राशि का नाम लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपके राशि के अनुसार उपाय बता सकें। जय बजरंगबली।